लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंडिया इज ऑन द मून 384,403 किलोमीटर ये महज नंबर नहीं ये दूरी थी चांद से पृथ्वी की ये वो दूरी है जिसे तय करने के लिए ना जाने कितने प्रयास कितने जतन दुनिया ने किए भारत भी उनमें से एक था ये दूरी देश के लिए महज ऊंचाई ही नहीं थी ये दूरी थी भारत के नए इतिहास रचने की ये दूरी थी भारत के नया अध्याय लिखने की ये दूरी थी भारत का नया कीर्तिमान रचने की जिस दूरी को भारत ने पाकर चांद की ऊंचाई को छोटा कर दिया भारत ने दिखा दिया कि ऊंचाई चाहे कितनी ही क्यों ना हो हौसलों से उड़ान होती है तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं तुम बनाते जाते हो पिंजड़े पर पिंजड़ा हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं वो घड़ी जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आई और भारत ने नया कीर्तिमान रच दिया फाइनली चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग हुई और भारत विश्व गुरु बन गया आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानने वाली अमेरिका जापान और चीन जो ना कर सका वो भारत ने कर दिखाया इसरो की दिन रात की मेहनत लगन और समर्पण का फल चांद के रूप में देश को मिला भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है और चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का 4th देश बन चुका है चांद पर पहुंचने की भारत की लगन और तगड़ी तैयारी ने आखिरकार वो सपना पूरा कर दिया जो भारत को विश्व गुरु की ओर आगे लेकर जा रहा है इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है भारत की इस ऐतिहासिक सफलता का न सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरी दुनिया गवाह बन गई है वहीं इस सफलता पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा उसे सुनिए भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के है अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा रूस चांद तक तो पहुंच गया लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ लेकिन चांद की पहली सुलझ नहीं सकी अब पूरी दुनिया की नजरें भारत की चंद्रयान 3 पर है चंद्रयान 3 की हुई सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है भारत चांद पर पहुंच चुका है अब विश्व गुरु बनकर दुनिया को उन सवालों के जवाब देगा जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है भारत चांद के रहस्य से पर्दा उठाएगा और दुनिया को चांद की सच्चाई से रूबरू कराएगा।